हिमाचल में लॉकडाउन हो चुका है, आप हमीरपुर में है इस वक्त। आपको दिखाएं कि हमीरपुर में जो धर्मशाला शिमला राजमार्ग है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी वाहन आवाजाही नहीं कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। फिर भी कुछ जो लोकल्स लोग हैं वही यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। आपको यहाँ दिखाएं कि जो मिल्की पेट्रोल पंप है यहाँ पे काफ़ी तादाद में दिन भर जो वाहन थे तेल डलवाने के आते, लेकिन ये भी सुनसान पड़ा हुआ, सारे कर्मचारी यहाँ पे निराश बैठे हुए हैं। यहाँ पे सारे इंतजार में कोई वाहन आएगा, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने समर्थन दिया है और कोई भी यहाँ पे जो कर्मचारी नहीं आ रहा है, जो एम्प्लाई है या कोई लोग है लॉकडाउन का यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे जो पंप के यहाँ पे जो मालिक कहें इनको या पंप चलाने वाले हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, बताएंगे जी कि जो लॉकडाउन हुआ है इसमें क्या स्थिति है, पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कैसा यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं कि नहीं है पहुँच रहे? हमारे पास नहीं पहुँच रहे हैं जी, हमारे पास जो भी आ रहे जो लोकली यहाँ के जो लोकल नज़दीक के लड़के हैं ऐसे कोई घूम रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं आ रहे बेचारे जी। या कोई जरूरी की है जैसे कोई फायर वाले हैं या पुलिस वाले हैं या हॉस्पिटल वाले हैं वही आ रहे हैं, बाकी तो कोई भी नहीं आ रही। केवल आपात स्थिति वाले आप पहुंच रहे, तो आपकी आपके कोई एडवाइजरी जारी हुई कि जो कुछ लोग आ रहे हैं आप भी उन्हें समझा रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है? समझा रहे हैं हमको, हमने जैसे जैसे हमारे पास इतनी भीड़ भड़का इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे हमारी हवा है, हवा के लिए हमने हवा बंद करना पड़ी। क्यों? क्योंकि इतने जैसे हम एक एक लड़के को भर रहे हो तो बाकी स्कूटर वाले और कारों वाले जम इकट्ठा हो गया था, इसी वजह से हमने उसको बंद करना पड़ा। क्या मानते कि जैसे अब तक तो लॉकडाउन हुआ है, जैसे कांगड़ा में अभी फिलहाल और ऊना में कर्फ्यू लग गया है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे भी जरूरत है कर्फ्यू? यहाँ पे जरूरत है क्योंकि देखो ना, जान तो सबको प्यारी है, अगर हम सब लड़के हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे ना इस कोरोना से, तभी मतलब हम बच सकते हैं ना नहीं बच सकते हैं इस बीमारी को, तभी हम काबू पा सकते हैं, ऐसे काबू नहीं पा सकते, ये तो फैलती जाएगी, ये तो बीमारी ऐसी है, ठीक है ना जी। अगर हम लोग सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे तो बचेंगे, तो नो बचेंगे कितना हम करेंगे, कहाँ से दवाइयाँ लें, कहाँ से डॉक्टर लाएंगे, कहाँ से इतने हॉस्पिटल आएंगे, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क है, इतने हमारे पास ये नहीं है ना जी, इतने हमारी पॉपुलेशन है, इतने हमारे पास हथियार नहीं है, इतने हमारे पास डॉक्टर नहीं है बेचारे, मतलब कोई भी इतना जितने हमारी दुनिया इतने हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो पीछे पेट्रोल की जो खपत है क्या उसी हिसाब से वो सप्लाई आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? सप्लाई तो पहुँच रही है जी, जैसे सप्लाई हम ऑर्डर दे रहे हैं, पर आगे जो है ना आगे जैसे हमारा एक टैंक डेली पेट्रोल का लगता है, डीजल का लगता है, अब नहीं लगता, अब जैसे लगता है हमारा जो जरूरी आइटम है, जैसे मतलब कोई जरूरी को अपने जैसे बैंक वाले आते हैं या पुलिस वाले आते हैं या फायर वाले आते हैं उन्हीं के लिए ही है, जैसे 1000 लीटर पेट्रोल या 1000 लीटर डीजल वही सेल हो रहा है हमारा, बाकी गाड़ियां सारे हमारे पूरा स्टॉक भरा हुआ हमारे पास, वो इतना स्टॉक है अगर एक हफ्ता भी हमारे पास सप्लाई नहीं आएगी ना तब हमारे इतना स्टॉक भरा हुआ है। चलो ये बड़ी अच्छी खबर इन्होंने बताई कि अगर एक सप्ताह तक की यहाँ पे जो अगर तेल की सप्लाई नहीं आती फिर भी जो हमीरपुर के लोग हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपात स्थिति में उन्हें यहाँ पे तेल की आपूर्ति मिलती रहेगी। हम आपको दोबारा से तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जो पेट्रोल पंप है ये सबसे व्यस्तम पेट्रोल पंप है यहाँ हमीरपुर का, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं दिन में हजारों की तादाद में आती हैं और यहाँ पे लोगों का पूरा भरोसा है कि यहाँ पे बढ़िया पेट्रोल मिलता है, लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है कि यहाँ पे कोई भी वाहन नहीं दिख रहा है, एम्प्लॉई खड़े हैं इंतजार में कोई आएगा, लेकिन इनके एम्प्लॉयों का भी यही कहना है साफ तौर पर कि जो कोरोना वायरस को पहले हराना है, उसको एक यहाँ से भगाना है, तभी वो जीवन जी पाएंगे और जो जीवन सारे सुरक्षित रह पाएंगे। फिलहाल अब तक की अपडेट के लिए मैं आपसे आगे जाता हूँ, नमस्कार।